हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार यूवी कंपटीशंस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स जीके। ये करंट अफेयर्स आपका कंपटीशन एग्जाम्स की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। आज 1 दिसंबर 2018 वार शनिवार। मेरे प्यारे साथियों, यूवी कंपटीशंस चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशंस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके साथ यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ करंट अपडेट्स, रिक्रूटमेंट नोटिस, क्वीज और हेल्प सेंटर के लिए आप यूवी कंपटीशंस जो कि इंस्टाग्राम पेज है वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की। द यूरोपियन कमीशन इज द फर्स्ट मेजर इकोनॉमी टू सेट इट्स साइट ऑन अचीविंग क्लाइमेट नेचुरलिटी बाई 2050। यूरोपीय कमीशन 2050 तक जलवायु तटस्थता प्राप्त करने पर अपनी दृष्टि स्थापित करने वाली पहली बड़ी अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट, स्कीम एंड कमेटी, योजना और समितियाँ। 8 मोर स्टेट्स हैव अचीव्ड 100% हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन अंडर प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य। द स्टेट आर मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, बिहार, जम्मू कश्मीर एंड मिजोरम, सिक्किम, तेलंगाना एंड वेस्ट बंगाल। 8 राज्यों ने प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य के तहत 100% घरेलू विद्युतीकरण हासिल किया है। ये राज्य मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, बिहार, जम्मू कश्मीर, मिजोरम, सिक्किम, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस, सम्मेलन एवं बैठक। द किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम KPCS प्लेनरी 2018 वाज हेल्ड इन ब्रुसेल्स सेल्स बेल्जियम इन नवंबर 2018। EU हैंडेड ओवर द चेयरमैनशिप ऑफ KPCS टू इंडिया फ्रॉम 1 जनवरी 2019। This year was the 15th anniversary of KPCS. The next intersessional session is slated to be held in India each year. Kimberley Process Certification Scheme KPCS Plenary 2018 Brussels, Belgium में नवंबर 2018 में आयोजित किया गया था। यूरोपीय संघ ने 1 जनवरी 2019 से KPCS की अध्यक्षता को भारत को सौंप दी है। इस वर्ष KPCS की 15 वर्षगांठ है। अगला इंटर सत्रीय सत्र भारत में अध्यक्ष के रूप में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद इनॉग्रेटेड द सेकेंड इंटरनेशनल अम्बेडकर कॉन्क्लेव इन न्यू दिल्ली एज पार्ट ऑफ द कॉमेमोरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डे। भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने संविधान दिवस की स्मृति के हिस्से के रूप में नई दिल्ली में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय अम्बेडकर सम्मेलन का उद्घाटन किया। नेक्स्ट, नीति आयोग हैज बिगन इट्स रीच ऑफ डेवलपमेंट डायलॉग्स टू एंगेज एक्सपर्ट्स थ्रू आउट लीडर्स एंड गवर्नमेंट स्टेक होल्डर अप्रोच की एवेन्यू ऑफ लॉन्ग टर्म सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। द फर्स्ट इवेंट वाज कॉन्फ्रेंस ऑन हेल्थ सिस्टम फॉर ए न्यू इंडिया बिल्डिंग ब्लॉक्स। नीति आयोग ने दीर्घकालिक सामाजिक और आर्थिक विकास के प्रमुख मार्गों पर विशेषज्ञों, विचारों के नेताओं, सरकारी हितधारकों को शामिल करने के लिए विकास संवादों की एक श्रृंखला शुरू की है। पहला कार्यक्रम हेल्थ सिस्टम फॉर ए न्यू इंडिया बिल्डिंग ब्लॉक्स पर एक सम्मेलन था। नेक्स्ट, एग्रीमेंट्स, समझौता। डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर DIAC 15 जनपथ न्यू दिल्ली एंड जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU टू फैसिलिटेट एंड एनहेंस रिसर्च एक्टिविटीज एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन एम्ड एट सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर DIAC 15 जनपथ नई दिल्ली और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली ने सामाजिक आर्थिक परिवर्तन और सतत विकास के उद्देश्य से अनुसंधान गतिविधियों और नीति तैयार करने की सुविधा को और बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट, अवार्ड्स, पुरस्कार। एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड APSA 2018 फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस बाई एन एक्टर मेल वेंट अनवाजुद्दीन सिद्दीकी फॉर मोंटो। एक अभिनेता पुरुष द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड APSA 2018 मंटो के लिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी को दिया गया। नेक्स्ट, खेल समाचार, स्पोर्ट्स न्यूज। इंडियाज 13 ईयर ओल्ड शूटर ईशा सिंह वॉन द वुमेन्स यूथ वुमेन्स जूनियर वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल कंपटीशन एट द नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप एट
त्रिवेंद्रपुरम। भारत की 13 वर्षीय शूटर ईशा सिंह ने तिरुवनंतपुरम में राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में महिलाओं, युवा महिला और जूनियर महिला की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता जीती है। नेक्स्ट डिफेंस न्यूज, रक्षा समाचार। एयर फोर्सेज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट एंड इंडिया आर सेट टू पार्टिसिपेट इन ए 12-day जॉइंट एक्सरसाइज कॉप इंडिया 2019 एट 2 एयर फोर्स स्टेशन इन वेस्ट बंगाल। द एक्सरसाइज विल बी हेल्ड फ्रॉम डिसंबर 3-14 एट एयर स्टेशन कालीकुंडा एंड एयर स्टेशन अर्जन सिंह पानगढ़। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और भारत की वायुसेना पश्चिम बंगाल में 2 वायुसेना स्टेशनों पर 12 दिवसीय संयुक्त अभ्यास कॉप इंडिया 2019 में भाग लेने के लिए तैयार है। यह अभ्यास 3 दिसंबर से 14 दिसंबर तक एयर स्टेशन कालीकुंडा और एयर स्टेशन अर्जुन सिंह पानागढ़ में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, द मिलिटरीज ऑफ चाइना एंड इंडिया सेट टू होल्ड ए जॉइंट 14-day ड्रिल हैंड इन हैंड इन साउथ वेस्ट चाइना चेंगू सिटी टू इम्प्रूव दियर कैपेबिलिटीज इन फाइटिंग टेररिज्म एंड प्रमोट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। चीन और भारत की सेनाओं ने आतंकवाद से लड़ने और पारस्परिक समझ को बढ़ावा देने के लिए अपनी क्षमताओं में सुधार के लिए दक्षिण पश्चिम चीन के चेंगडू शहर में संयुक्त 14 दिनों के लिए के ड्रिल हेड इन हेड का आयोजन किया। नेक्स्ट एंड लास्ट न्यूज, मिसलेनियस विविध समाचार। इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंसेज हैज लॉन्च्ड ए कैंपेन टू स्पीड ए पान इंडिया अवेयरनेस अबाउट हेपेटाइटिस डिजीज एम्पावरिंग पीपल अगेंस्ट हेपेटाइटिस। द एम्पथी कैंपेन वॉज लॉन्च्ड एट मेट्रो भवन न्यू दिल्ली इन प्रेजेंस ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ DMRC डॉक्टर मंगू सिंह एंड डायरेक्टर ILBS शिव कुमार सरीन। वैश्विक पोषण रिपोर्ट के अनुसार भारत को एक बड़े कुपोषण संकट का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि इस पर विकास दर में वृद्धि के लिए दुनिया का लगभग 1/3 बोझ है। 40.6 मिलियन कुपोषित बच्चों के साथ देशों की सूची में भारत शीर्ष पर है और इसके बाद नाइजीरिया 13.9 मिलियन और पाकिस्तान 10.7 मिलियन है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार जो कि कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। यदि आपको हमारे वीडियोज पसंद आते हैं लाइक करें, जो भी क्वेरी है जो भी क्वेश्चन है कमेंट करें और हमारे वीडियोज को हमारे पेज को शेयर करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।